गाइस देखिए, आज हम लोग जस्ट पहुंच ही गए हैं और वहां पहुंच गए हैं जहां पे एक टाइम पे तकरीबन 1 साल हो गया होगा। हाँ, 1 साल पहले मैं आया था अकेला और उस टाइम मैंने ये कैमरा जस्ट खरीदा ही था। तो मैं मतलब कहते हैं ना कि अपना पहला या दूसरा वीडियो मैंने शूट किया था यहाँ आके। बड़ा अच्छा एक मंदिर है हनुमान जी का बैरोड के पास में। तो आज हम एक बार फिर से वहां पे आ चुके हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं, आपको दिखाएंगे। बड़ा ही शानदार है। आपने हमारा अगर व्लॉग देखे हैं तो पुराने व्लॉगों में आपको यहाँ का वीडियो एक और मिल जाएगा, बट इस बार हमारे साथ कुछ साथी लोग भी हैं। हे गाइस, सारे नु राम राम भैया। गाइस देख सकते हो, मैं ऐसे डोर खोलता हूँ, ऐसे डोर खोल के बाहर जा रहा हूँ। देखो गाइस, पीयूष निकल गया। पीयूष देख लो, जूता पहन रहा है गाइस। अरे पीयूष की ऐसी की। चलिए आपको दर्शन कराते हैं भगवान के। देखो ये है वो मंदिर, आप देख सकते हो कितना दूर से बड़ा सुंदर दिख रहा होगा। पेड़ पौधे हैं और ये इलाका है पूरा, इसी का वीडियो बनाया था मैंने पूरा का पूरा वहां से लेके। और इस साइड अब देखो इन्होंने ये बना दिया है, यहाँ पे झंडा वंडा लग रहा है। क्या सोच रहा है, पहली बार मंदिर जा रहा है क्या भगवान? बिल्कुल अबे आज से पहले मंदिर ना गया तू? ना ना, क्यों? दूसरे मंदिर में जाया करता हूँ। अच्छा यहाँ तो पहली बार है ना। हाँ ओके, एंट्री के टाइम ही आपको मिल जाएगा भगवान कृष्ण जी। ओ, यहाँ पे हैं पुरुषोत्तम श्री राम। देखो कैमरे में दिखेगी कि नहीं पता नहीं, दिख रही होगी यार। जय बजरंग बली। क्या दिख गया? हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऊपर है ओम हनुमंते नमः। यहाँ पे आरती है श्री हनुमान जी। ये अलग अलग रूप है इनके। जय हनुमान ज्ञान गोसाई। क्या हो गया? चल एक राउंड करके आते हैं बाहर, आ जा। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। इसकी जो थीम है ना कलर वाली, वो जबरदस्त है। उसके बाद अगर राउंड चक्कर काटोगे तुम, देखो बाहर का जो है ना इसका, वहाँ पे कुटिया वटिया हैं जहाँ पे रहते हुए हैं, है ना बाबा जी लोग। ये देखो यार, पेड़ वेड़ मस्त हैं। वो यार ये पेड़ किसका है? ये ना बरगद है ना बबूल, क्या है ये? गूलर भी नहीं है यार, ये तो कुछ वो दूसरा ही है। देख सकते हो यहाँ अलग अलग तरह के पेड़ उगे हुए हैं। नहीं, अगर गौर कराना है, पूरा मंदिर ही मंदिर है। मतलब हर जगह मूर्ति मूर्ति, ऐसी कोई नहीं। दीवार है तो दीवार ने छोड़ दो, पूरा दीवारों पे हाँ मूर्ति। दीवार के मतलब देख, ये हम लोग ना बैक साइड है अभी हाल फिलहाल। देखो ये इसकी साइड है, वहां भी आप देख सकते हो मूर्तियां लगी हैं। देखो वहां भी, देखो हनुमान जी की, और पीछे की साइड भी है ना, चारों तरफ है। यहाँ पे पंचमुखी हनुमान है यार। पेड़ देख तू, कमाल है ना। वो पेड़ किसका है वो नहीं पता मेरे मैं को। तो उसको छोड़ना है। ये पेड़ किसका है जो हरा हरा है, जिसका तना भी हरा है? नीम। अबे नीम है वो तो हरी कैसे? दिमाग तो, जंगलों में तो यही होता है ना, बारिश बुरिश से काई लग गई होगी नहीं हरे लगा वाली। के ये पेड़ लड़सा रहे हैं। देखो वो नीम उधर लड़सा रहा है। अरे धूप से 2 मिनट के लिए अलसा रहा है वो, बाद में फिर पानी आ जाएगा शाम को। तू बावला है क्या यार, इतना सोचता है। और यहाँ पे भगवान शिव के मंदिर महादेव जो हर जगह, गाइस, हर महादेव। हर हर महादेव। और देखिए नाग भी है यहाँ पे, ये पीतल का है पक्की बात है। क्या हो गया? इमली का पेड़ है। इमलियां भी आ रही हैं यहाँ पे। ये पता है, ये आई थिंक यहाँ के दो साधु हैं जिनकी बनी है यहाँ पे। ये इमली का पेड़ है। अरे मत कर यार, ये सब मत कर, तेरी शुगर बदनाम हो जाएंगे। हम जो लोग देखेंगे वो भी गाली देंगे हमको। वहां जाके तोड़ ले चाहे। देखो मंदिर तुम देखो यार, मतलब देखे मन ना भर रहा, कितना मस्त है। ये क्या है? इमली है? तो कच्ची इमली ऐसे खा जाएगा, नशा नहीं होगा इससे सच में?
है तो इमली बड़ी खट्टी है यार, पर ये कोई बताऊं ये भी हाल फिलहाल कच्चा है, ये पक जाएगा तब बड़ा मस्त लगता है ना। दोबारा एक बार भाई तेरी सगन बता देने, एक बार इमली के बारे में बोल रहे हैं तो मेरे एक डायलॉग याद आ गया कि अमरूद खरीदने लोग जाते हैं तो पूछते हैं खट्टे हैं मीठे, तो फिर खरीद के ले आते हैं फिर नमक लगा खाते हैं। तो ये मतलब है यार खट्टी और मीठी का, मतलब दुनिया में कुछ भी हो खा लो। सही है, वो देखो झंडे देख रहा है जय श्री राम, वो दूसरा वाला तो एक अपने घर पे भी लगाया ऐसा ही, उस पर यार जय श्री राम लिखा है क्या? हाँ जय श्री राम ही है। गाड़ी पीछे भी अब लोगों का बनने वाला है, हम कट्टर इंदू वाला लगा देंगे। ये सब ना प्लीज, ऐसी नोटिंग देख के ना मेरे को कमेंट आते हैं कई बार, कोई भी कमेंट नहीं करता यार। नहीं कुछ लोग करते हैं, एक दो ही करते हैं। काम धंधो कुछ ना है कि तुम ब्लॉग देखो, मारा देखो तो कमेंट करे करो। सर मानी चाहिए कैसा बंदा साथ घूम रहे हैं। अभी जाओ विकास अहिर को सब्सक्राइब करो, कर दो मेरे तो काफी है, जाओ बाढ़ में जाओ। देखो इसको अहंकार है, इसके चैनल पे आई थिंक 3,000 अभी हो चुके हैं सब्सक्राइबर, हमारे 1,000 भी नहीं है, क्या करें भाई। जबकि इसका जो कंटेंट है ना तुम देख लोगे तो एक बार तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चलो ज़्यादा लेट क्यों करें यार, कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मंदिर बड़ा मस्त है, धूप ऊप आ रही है, आई डोंट नो कैसा दिख रहा है, मुंडी मोड़नी पड़ती मुझे कैमरे कई बार। वो वहाँ एक चीज़ बताऊँ तुमने सुनी होगी, गांव में बोलते हैं ये जो पेड़ है इमली वाला, इसके पास भूत प्रेत ऐसे मानते हैं ना। इसके पास पूछना तो घर वालों से, मैंने एक बार सुना था ऐसे कुछ बात आती रहते थे, इमली के पेड़ भी बोलते हैं, इमली का पेड़ का भी है इसलिए उगाते नहीं इमली का पेड़ ज़्यादातर लोग है ना, वो तो हम रिकन्फर्म कर लेंगे आज शाम को, पर ऐसा सुना है मैंने। इसका पेट है ये है बबूल, इसके फूल आते हैं वो ने? नहीं वो, अरे भैया बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो ये वो वाला बबूल, क्या बात कर रहा है, बबूल के तो फूल आते हैं पूरे में कांटे कांटे हैं देख बबूल के। यहाँ पे मैं पता कौन सी बार आया हूँ, मैं पहले जाता था नीमराणा, तो भाई साहब नीमराणा जब जाता था ना मैं बाइक जाता था मोस्टली, कई बार जिस दिन मतलब होता है ना जल्दी फ्री होके आ गया टाइम मिल गया मैं आता था मुझे बड़ा, क्योंकि यार मैंने काफ़ी टाइम बाद पहली बार देखा था इतना सुंदर मंदिर, मतलब हमारे आसपास और ही मंदिर है बट ऐसी अच्छी पेंटिंग नहीं है वहाँ पे, फील नहीं होता, और दूसरी ऐसी जगह पर चारों तरफ पेड़ वेड़ हैं तो मेरे को इसलिए बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं भाई अक्सर आता था यहाँ पे, फिर लाई कार तो हम लोग देव माता जाके आ रहे थे उस टाइम आए हम, उसके बाद एक बार और आया था मैंने ब्लॉग बनाया यहाँ, पहले भी बड़े बड़े यूट्यूबर आ चुके हैं और भविष्य के बड़े बड़े यूट्यूबर भी आ चुके हैं यहाँ पर। कौन है बताइए, बड़ा यूट्यूबर कौन है? नाम नहीं बता सकता लेकिन बता देना, और भविष्य के भी कुछ है यूट्यूबर। अरे भविष्य की मत बता, और कोई बड़ा है जो ये लोग जानते हैं? क्रेजी एक्स वाई जेड जानते होंगे ना, वो है वो तो उससे पहले आ चुका होगा यार, बट उसने रिसेंट कुछ व्लॉग डाला तो उसमें वो आया था यहाँ पे, उससे पहले हम लोग कई बार आ चुके थे। क्या वो हमारे व्लॉग में क्या बोला उसने यार, हमने देखा ही नहीं व्लॉग, ये देखता है ये बताएगा क्या बोला कि मैंने अपना यूट्यूब की जो स्टार्टिंग की थी इस मंदिर से ही आशीर्वाद लेकर की थी और अभी भी मैं यहीं आया, वो आई थिंक थाईलैंड जाकर आ रहा था तो उस टाइम इसने ऐसा ब्लॉग बनाया था और डाला था उसकी। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो हम भी लकी हैं इसका मतलब। चलें फिर हम लेट ऐसा जेड देख रहा हूं तो यार हमको प्रमोट करो, वो क्यों देखेगा अपना वीडियो भाई, मंडी होगा तू ये ऐसी बातें बोल देता है ना फिर यार, हमारा हमारे लगे का बंदा है वो, तुझे पता है ना बानसूर का ही बंदा है वो, फिर ऐसे कैसे बोल सकता है तो किसी के बारे में यार, दोस्त तू जाके वो बनवा मार तो हाथ में लेकर ध्यान होवे टुंडे। हां कुछ दिन पहले जब वो आया था ना सबसे पहले भक्त ये गया था हाथ मिलाने, चला कुछ ही बोल देते यार, इसकी बातों का आप लोग सेंस मत मानना, ऐसे एक दो होंगे पोंगे लोग रहते हैं क्या बोले। सो लेट्स गो,